हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जरूर जुड़ें, और जो चैनल की साइड में आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाएँ, क्योंकि उस पर जो क्लिक करने से दोस्तों क्या है, जब जैसे ही हमारी नई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होगी, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए देखिए, वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं RPSC दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है दोस्तों, उसके अंदर वैकेंसी निकली थी रिक्रूटमेंट की दोस्तों 2021 की, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती थी दोस्तों राजस्थान के अंदर, उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं आपके। जिस भाई ने भी फॉर्म भरा था, जिस जो भी व्यक्ति ने, जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, अब एग्जाम उनका आ गया है दोस्तों। तो एडमिट कार्ड RPSC के द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जो इसका है दोस्तों, माफ कीजिएगा, लिंक जो इसका है वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद अगली बच्चे है दोस्तों BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, BRO का काम होता है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर रोड वगैरह का निर्माण करना है। ये नाम से ही साफ जाहिर होता है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये किसी भी देश के साथ लगते बॉर्डर पर जो रोड वगैरह यानी सड़क वगैरह का निर्माण करती है BRO। तो BRO के अंदर वैकेंसी निकली दोस्तों 10वीं पास 12वीं पास। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, और आज से इसके जो है दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 10वीं और 12वीं पास। इसमें स्टोर कीपर, मल्टी स्किल्ड वर्कर के लगभग 1000 के तकरीबन पद हैं, 876 टोटल पोस्ट हैं, लेकिन और भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी इसमें पोस्ट हैं दोस्तों। तो 876 पदों पर आवेदन जो है ना वे शुरू हो गए हैं 10वीं और 12वीं पास है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आवेदन है ना आपके ऑफलाइन आवेदन है, यानी आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है, उसके बाद पोस्ट स्पीड पोस्ट या पोस्ट करना है आपको BRO के एड्रेस पर। तो इसके आवेदन जो है 28 मई से 11 जुलाई तक, देखिए लंबा समय बहुत है, 28 मई से 11 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं BRO के अंदर। उसके बाद एक बार फिर से खबर जो है, लेटेस्ट अपडेट जो है वो RPSC से है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से। इसमें वैकेंसी निकली थी दोस्तों हॉस्पिटल केयर टेकर की, हॉस्पिटल केयर टेकर रिक्रूटमेंट 2022 के जो आवेदन है वे आज से आपके शुरू हो गए हैं, आवेदन जो है ना शुरू हो गए हैं। इसमें कुल जो हॉस्पिटल केयर टेकर है दोस्तों, जो वैकेंसी है वे कुल पोस्ट जो है 55 पोस्ट है इसमें, और इसमें जो आवेदन है वे आपके 30 मई से 29 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन आपके रहेंगे दोस्तों। फीस क्राइटेरिया अगर बात करता हूँ जर्नल की जो ना दोस्तों, 350 रुपये है। EWS और OBC की 250 रुपये है। SC और ST की फीस इसमें रहेगी दोस्तों 150 रुपये। उसके बाद इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 40 साल इसमें एज है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो अगली है दोस्तों वो है हरियाणा में, एक आप से भी जानते हैं कि योजना चलाई गई थी भावांतर भरपाई योजना। ये योजना क्या थी दोस्तों, देखिए जो धान के स्थान पर मक्का बाजरा तिलहन वगैरह की फसल उगाएगा उसको जो है गवर्नमेंट 2000 की किस्त के तौर पर दोस्तों क्या है 7000 रुपये, यानी धान न लगाकर दूसरी फसल उगाने पर 7000 रुपये प्रति एकड़ की जो है राशि देती है हरियाणा सरकार। तो इस योजना के दोस्तों क्या है आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जल बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये मुहिम हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो ये योजना जो है ना, ये स्कीम जो है, इसके आवेदन आपके शुरू हो गए हैं, भावांतर भरपाई योजना, जल के बचाव के लिए ये योजना शुरू की गई थी। जो भी धान की जगह दूसरी फसल उगाएगा जैसे तिलहन वगैरह बाजरा वगैरह, उसको 7000 रुपये प्रति एकड़ की दर से। इसमें भी थोड़ा थोड़ा अलग है दोस्तों, अगर आप बाजरा उगाओगे तो आपको 4000 कुछ रुपये मिलेंगे, तिलहन वगैरह पर 6 से 7000, इस तरीके से थोड़ा सा अलग अलग है, वो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा दोस्तों। तो आप इसके आवेदन कर सकते हैं, जो भी किसान भाई हैं या जो भी व्यक्ति हैं जिनके माता पिता किसान हैं, जिनके पास कुछ जमीन जरूर है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।